नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पायल रावत और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। बीरभूम में हुई बर्बरता की कहानी धीरे धीरे सामने आ रही है। स्थानीय लोग जो बता रहे हैं वे बहुत ही डरावना है। नव भारत टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुछ उपद्रवी बाइक सवार डब्बों में भरकर पेट्रोल ले आए थे। कोई बचकर भागने ना पाए इसके लिए गांव से बाहर आने जाने वाले रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया था। वे तब तक रुके रहे जब तक कि घर में आग नहीं लग गई और अंदर सभी की मौत हो गई। अंदर फंसे लोग मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन किसी भी गांव वाले की हिम्मत नहीं हुई कि वे बाहर आकर उनकी मदद कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीरभूम में हुई हिंसा पर दुख प्रकट किया और उम्मीद जताई कि राज्य सरकार दोषियों को जरूर सजा दिलाएगी। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने इस हिंसा के लिए राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस समर्पित गुंडों को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि बीरभूम जिले में हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हों। कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी इस घटना पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई की। पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन जस्टिस अरुण निशर ने स्वतः संज्ञान लिया है। एनएचआरसी अधिकारियों ने बताया कि वहां मानवाधिकार आयोग की टीम जांच करेगी। आइए अब आपको बताते हैं पूरी कहानी। दरअसल सोमवार को बीरभूम के रामपुराहट ब्लॉक स्थित बागटुई गांव में रहने वाले तृणमूल कांग्रेस के पंचायत स्तर के उप प्रधान भाटू शेख की बम मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके कुछ घंटों के अंदर उन्मादी भीड़ ने करीब दर्जन भर मकानों पर पेट्रोल बम से हमला कर आग लगा दी। आग में दो बच्चों व तीन महिलाओं सहित कुल 8 लोगों की जलकर मौत हो गई। कहा जा रहा है कि यह भीड़ भाटू के समर्थकों की थी। गांव में दहशत है। गांव बाहर करीब 2 किलोमीटर दूर पुलिस बल की तैनाती है। पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। खौफ के बीच जिस घर में आग लगाकर लोगों को जिंदा मारा गया था उसके आसपास के कई घरों में ताले लटके हुए हैं। घटना के संबंध में अब तक कम से कम 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य सरकार ने कथित रूप से लापरवाही बरतने के आरोप में कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। बीरभूम नरसंहार का मुद्दा बृहस्पतिवार को लोकसभा में गूंजा। कांग्रेस के सांसद गौरव गंगोई ने अपनी पार्टी के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी को पश्चिम बंगाल के रामपुराहट में हिंसा पीड़ितों से नहीं मिलने देने का विषय लोकसभा में उठाया। गोगोई ने इसे लोकतंत्र पर प्रहार करार दिया। गौरव गोगोई ने कहा कि कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल के रामपुराहट के बागटुई गांव में हिंसा के पीड़ितों से मिलने गए थे, लेकिन पश्चिम बंगाल पुलिस ने उन्हें रामपुराहट से 90 किलोमीटर दूर ही रोक लिया। मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए अधीर रंजन ने कहा, बंगाल की सीएम यहां पिकनिक मनाने आई थी, वे हेलीकॉप्टर से आई, मीटिंग की, खाना खाया और चली गई। उन्हें स्थानीय लोगों की बात सुननी चाहिए थी। उन्होंने कहा, सीएम ममता बनर्जी ने राज्य को बर्बाद कर दिया है। पुलिस और टीएमसी की मिलीभगत से राज्य को लूटा जा रहा है।
कोई अन्य राज्य बंगाल जैसी स्थिति का सामना नहीं कर रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को बोकतुई गांव का दौरा किया, जहां पर हिंसा भड़की थी। ममता बनर्जी हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों से जाकर मिली। उन्होंने सभी से बात की और उनका दर्द जाना। ममता बनर्जी से बात करते करते कई परिवार रोने लगे। ममता ने उन्हें आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिलाकर शांत करने की कोशिश की। उन्होंने गांव में मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। जिन लोगों के घर जलाए गए उन्हें 1 लाख रुपए मुआवजे की राशि दी जाएगी। ममता ने कहा कि पीड़ित परिवारों के 10 आश्रितों को राज्य सरकार नौकरी भी देगी। प्राइम न्यूज 24 के लिए पायल रावत की रिपोर्ट।